Hello students, welcome to MEC, Mehta Education Channel, where you can change the way of your learning and understanding. आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. और जिन बच्चों ने कूलम्स लॉ के बारे में अभी नहीं पढ़ा वो मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके जरूर देखें, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. लेट मी एक्सप्लेन दिस डायग्राम फर्स्ट. हियर आई एम कंसिडरिंग टू लाइक चार्जेस Q1 and Q2 and they are placed in vacuum. This R1 and R2 are position vector of charges Q1 and Q2. Well, position vector is simply a vector जो हमें किसी भी body की position के बारे में बताएगा from the starting point. That is from the origin in this case. Now this R12 is displacement vector. ये हमें दोनों चार्जेस के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बताएगा और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो Q1 से Q2 की तरफ होगी. सिमिलरली दिस R21 वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1. बताएगा ये भी हमें डिस्टेंस ही दोनों चार्जेस के बीच का, बट इसकी डायरेक्शन जो होगी वो Q2 से Q1 की तरफ होगी. फॉर एग्जाम्पल हम घर से स्कूल गए और उसी रूट से स्कूल से घर वापस आए. अब दोनों टाइम हमने डिस्टेंस जो है वो सेम कवर किया बट जो डायरेक्शन थी वो अलग अलग, सुबह घर से स्कूल की तरफ और आते समय स्कूल से घर की तरफ. यहां पर भी R12 और R21 वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड क्योंकि दोनों सेम ही डिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. वन इज इन दिस डायरेक्शन एंड अदर इज इन दैट डायरेक्शन. So I can write it as R12 vector is equal to minus of R21 vector or R21 vector is equal to minus of R12 vector. क्योंकि ये माइनस क्या बता रहा है हमें कि दोनों वेक्टर जो है उनकी डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है. अब सिंस दीज टू चार्जेस आर लाइक चार्जेस so forces between them is repulsive in nature. Here, जो ये F21 है ये हमें बता रहा है force on charge Q2 due to charge Q1 और F12 हमें बता रहा है force on charge Q1 due to charge Q2. Now we will calculate these force using Coulomb's law. तो अब हम value निकालते हैं F21 की. So according to Coulomb's law it is equal to 1/4πε0 दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट और डिस्टेंस का स्क्वायर. नाउ हियर यू हैव टू टेक केयर ऑफ वन थिंग कि जब हम F21 फोर्स ले रहे हैं तो यहां पे डिस्टेंस R12 लेना है क्योंकि जो F21 फोर्स है वो चार्ज Q1 Q2 पे लगा रहा है. तो डिस्टेंस ऑफ अप्रोच भी तो Q1 से Q2 तक ही लेंगे क्योंकि फोर्स तो इसने लगानी है ना. सिमिलरली जब हम F12 फोर्स निकालेंगे तो वहां पे डिस्टेंस R21 वेक्टर लेंगे. तो अब ये तो हुआ मैग्नीट्यूड क्योंकि कूलम्स के अकॉर्डिंग तो ये तो था मैग्नीट्यूड. अब व्हाट अबाउट डायरेक्शन. अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे. सो फॉर डायरेक्शन आई विल यूज यूनिट वेक्टर, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1. लाइक हम यूज करते हैं ना आई कैप जे कैप एंड के कैप टू रिप्रेजेंट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. सिमिलरली यहां पे भी हम एक यूनिट वेक्टर यूज करेंगे इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए. अब अगर डायग्राम में देखें तो F21 जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है और हमारा जो R12 वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में है. तो इसका मतलब R12 का जो यूनिट वेक्टर है वो हमें F21 की डायरेक्शन बताएगा. That's why I am using here R12 unit vector. Similarly, F12 force क्या होगी 1/4πε0 दोनों charges का product और अब इसकी बार यहां पे distance आएगा R21 का square. And for direction F12 vector इस side पे है और हमारा R21 vector भी इस side पे है. तो इसका मतलब R21 unit vector भी इसी साइड पे होगा. सो हेयर आई एम यूजिंग R21 यूनिट वेक्टर टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ F12 वेक्टर. अब हम यहां पे इस इक्वेशन को यूज करेंगे. तो R21 की जगह हमने लिखा
minus of r12 का स्क्वायर, और अगर दो वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल हैं तो उनके यूनिट वेक्टर भी एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल होंगे। अब अगर इसको फर्दर सॉल्व करें, ये माइनस साइन आगे आया, ऊपर q1 q2, नीचे नेगेटिव का अगर स्क्वायर भी करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, और यहां पे आ गया हमारा r12 यूनिट वेक्टर। अब अगर केयरफुली इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये तो बन गया हमारा f21 वेक्टर, तो हमने यहां से f12 की वैल्यू जो है वो f21 के नेगेटिव इक्वल निकाल ली। तो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, सिंपली दैट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाएंगे। इसका मतलब जो कूलम फोर्सेस हैं वो ऑलवेज ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो दिस इज योर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब अगर एग्जाम में ये टॉपिक आया तो आप इसको यहां तक भी कर सकते हो, बट हम अभी इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। अब अगर इन दोनों एक्सप्रेशन को देखें तो यहां पे जो फोर्सेस हैं वो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रहे हैं, r12 एंड r21 वेक्टर। अब हम इनको निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, दैट इज दिस r1 वेक्टर एंड r21 वेक्टर। नाउ बिफोर दिस आई विल रिकॉल यू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। हियर इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल विच आर इन सेम ऑर्डर लाइक दिस a एंड b वेक्टर, both are in clockwise sense, then their vector sum is equal to third side of triangle taken in a opposite order. So here like a vector plus b vector is equal to c vector. Now apply this same law to this triangle. Here jo hamara r1 vector aur r12 vector hai, ye dono same hi direction mein hai, same hi order mein hai, to inka jo vector sum hoga वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा r2 वेक्टर के, क्योंकि ये जो है ऑपोजिट ऑर्डर में। तो यहां से हमारी r12 वेक्टर की वैल्यू आई r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अब अगर मुझे ये वेक्टर की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है तो इसका यूनिट वेक्टर भी चाहिए, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहां पे वैल्यू भरेंगे हम वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन आई विल गेट 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, यहां पे इस वेक्टर का स्क्वायर, और हमें पता है जब वेक्टर का स्क्वायर होता है तो वो क्या बन जाता है, मैग्नीट्यूड। तो यहां पे आ गया हमारा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहां पे वेक्टर की जगह आएगा r2 माइनस r1 वेक्टर और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो अगर इसको कंबाइन करें तो ये बन गया q1 q2 स्क्वायर पावर है, यहां पे 1 पावर है, टोटल पावर होगी q, और यहां पे आ गया हमारा वेक्टर दिस। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर। अब यहां पे देखो सिर्फ r2 और r1 नहीं है, तो ये कौन से वेक्टर्स हैं, पोजिशन वेक्टर। सिमिलरली अगर हम मुझे f12 लिखना है तो वो आ जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2, और अगर ट्रायंगल लॉ यहां पे लगाऊंगा तो देखो r2 वेक्टर इस साइड पे है, r21 वेक्टर इस साइड पे है, और ये वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर में है, तो इसकी बार इन दोनों का सम जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं सेम प्रोसीजर को दोबारा रिपीट करूं तो यहां पे आ जाएगा r1 माइनस r2 का क्यूब, और यहां पे आ जाएगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। सो यहां पे हमारा टॉपिक होता है एंड्स। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। वेल इन माय लास्ट वीडियो We have already discussed that जब हम दो charges को vacuum से उठाकर किसी और medium में रखें then forces between them is greatly affected. And which factor is responsible for it? It's Coulomb constant. K that is equal to 1 by 4 pi epsilon naught.
where this epsilon naught is permittivity of vacuum. अब देखा जाए जो ये k है वो indirectly इस epsilon naught पे depend कर रहे हैं, क्योंकि 4 pi तो भी constant है. तो that means indirectly it is permittivity of medium that determines the force between two charges in that medium. अब इस टॉपिक को थोड़ा सा फर्दर करते हैं. अब अगर मैं दो चार्जेस Q1 एंड Q2 को वैक्यूम में रखूं, तो उनके बीच में फोर्सेस क्या होंगे? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. और अगर मैं इन सेम चार्जेस को सेम ही डिस्टेंस पे किसी और मीडियम में रखूं, वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में रखूं, तो अब न्यू फोर्स क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन. अब यहां पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है. अब यहां पे मीडियम की परमिटिविटी आएगी, क्योंकि अब हम किसी और मीडियम में रख रहे हैं. तो यहां पे चार्जेस तो सेम रहेंगे और हमने डिस्टेंस भी सेम लिया. दिस इज फॉर वैक्यूम, दिस इज फॉर एनी मीडियम. और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एफ मीडियम, तो फटाफट निकालेंगे. अब हम तो देखो 1/4 पाई 1/4 पाई Q1, ये सारा फैक्टर कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया? 1/ε0/1/ε medium विच इज ε medium/ε0. नाउ दिस रेशियो परमिटिविटी ऑफ मीडियम ओवर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, दिस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी. जब हम किसी भी इस मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड करेंगे, तब जो टर्म आएगी उसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज एप्सिलॉन आर. सेम ही टर्म को हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. एक ही चीज के बस क्या है, ये दो नाम लिखे हुए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी. तो इसको हम के साथ भी लिख सकते हैं. तो अब हमें यहां से क्या कंक्लूजन मिला? अब यहां से अगर मैं एफ मीडियम की वैल्यू निकालूं तो क्या मिलेगा? ये एफ मीडियम चला गया ऊपर और एप्सिलॉन आर आ गया हमारा नीचे. फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड दैट फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन एनी मीडियम इज 1/ε0 टाइम्स फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ वैक्यूम. तो अब अगर मुझे कूलम्स लॉ को किसी और मीडियम के लिए लिखना हो तो वो क्या बन जाएगा? देखो कूलम्स लॉ क्या था हमारा, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब अगर मैंने किसी मीडियम के लिए फोर्स लिखनी है तो यहां पे मीडियम आ जाएगा, दोनों चार्जेस एज सच और डिस्टेंस का स्क्वायर. अब अगर इस एक्सप्रेशन को देखो तो एप्सिलॉन मीडियम की वैल्यू क्या आएगी? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर. तो यहां पर मैंने एप्सिलॉन मीडियम की जगह लिखा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. ये आ गया हमारा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. और ये क्या था हमारा? कूलम कांस्टेंट. तो ये के एस सच नीचे आ गया हमारा एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. सो दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ जब चार्जेस को वैक्यूम की बजाय किसी और मीडियम में रखा जाएगा. Now that's it for today. I hope my efforts will help you. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि मैं अपने efforts को continue रखूं, तो please like and share my video. And हाँ, subscribe करना मत भूलना. And for any query, comments below.